बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, साथ ही अब कल के लिए क्या रखनी है आपको खास स्ट्रेटजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह, भी इनसे करेंगे बातचीत। और हमारे साथ खास मेहमान आज है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर बहुत स्वागत है आपका, और पूरे सहयोगी हमारे साथ हैं और सभी देंगे हमें अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई उनकी एक्सक्लूसिव रिसर्च और जानकारी। सबसे पहले हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन और लंबे वीकेंड के बाद बाजार का हाल कैसा रहा, तो आज हमने देखा बाजार ने निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाई और सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त पर ही बंद हुए। सेंसेक्स पौने 500 अंक दौड़ा और 6550 के पास बंद हुआ। निफ्टी 150 अंक चढ़कर 18050 के ऊपर बंद हुआ। हालांकि इंडसइंड बैंक में 11% की तेज गिरावट के चलते निफ्टी बैंक पर आज हमने देखा दबाव और इंडेक्स 135 अंकों की गिरावट के साथ 39450 के नीचे जाकर बंद हुआ। FIIs और DIIs की तरफ से आज के आंकड़े सामने आ रहे हैं। समझते हैं FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में करीब 860 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं DIIs की तरफ से आज 1911 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में आज इतनी शानदार रिकवरी कहां से आई। भारतीय बाजारों के लिए आज बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन था। लंबे वीकेंड के बाद जब बाजार खुले तो बड़ी मजबूती के साथ गैप से सीधा 18,000 के नजदीक निफ्टी पर, लेकिन खुलने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आई, जिसकी शुरुआत बैंक निफ्टी ने की और बैंक निफ्टी में बिकवाली की शुरुआत की इंडसइंड बैंक ने, जो 10% लुढ़क गया व्हिसल ब्लोअर के डेवलपमेंट्स के बाद। हालांकि बैंक ने अपनी सफाई जरूर दी, लेकिन उसके बावजूद वहां गिरावट तेज होती दिखी, उसने बैंक निफ्टी को गिराया और बैंक निफ्टी ने निफ्टी को 17,900 के नीचे भी फिसला, लेकिन अहम सपोर्ट लेवल से मिड सेशन से जो रिकवरी की शुरुआत की हुई और उसकी शुरुआत की निफ्टी ने, उसके बाद बाजारों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिन के उच्चतम स्तरों पर जाकर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। न सिर्फ 18,000 को पार किया बल्कि 18,000 के कहीं ऊपर जाकर बाजार बंद होते नजर आए, एक ब्रेकआउट के संकेत निफ्टी से आते दिखे। अब बैंक निफ्टी 135 अंकों के नुकसान के साथ बंद हुआ, लेकिन इंडसइंड बैंक की परफॉर्मेंस को अलग निकाल कर देखें तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी मजबूत ही कहा जाएगा, हल्के नुकसान के साथ 39,500 से थोड़ा सा नीचे। पौने 500 अंकों की तेजी सेंसेक्स में भी देखने को मिली। आज नतीजों के लिहाज से थोड़ा सा कम एक्शन वाला दिन था, लेकिन ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी और बिकवाली का माहौल आज भी नजर आया। ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट, FIIs की थोड़ी सी कम होती हुई बिकवाली, हल्के बाजार और इसके साथ ही ओवरऑल मूड माहौल दिवाली के ट्रेडिंग सेशन से अब बेहतर होता हुआ, ये सारे कारण थे जिनके चलते हुए 18,000 के ऊपर निफ्टी बंद होने में आज कामयाब रहा। और आइए अब करते हैं आज के खास मेहमान का रुख सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, सबसे पहले हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है, क्या ट्रेंड आने वाले दिनों में आप बाजार का एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी स्वाति जी, हम लोगों को लगता है कि ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। ग्लोबल मार्केट बहुत सपोर्टिव है और जैसे जिक्र किया जा रहा था अभी कि ग्लोबल मार्केट से जो 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 शंका थी टेपर और यूएस फेड के अनाउंसमेंट्स लेके, वो कुछ हद तक अभी नहीं है क्योंकि जो भी है मार्केट ने वो डाइजेस्ट कर लिया और रिस्क ऑन मूड जारी है। यूएस के जो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स आए थे वो जो एक्सपेक्टेशन था उससे बेहतर आए हैं और ये इन्वेस्टर्स का मूड पॉजिटिव कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी डेवलपमेंट्स पॉजिटिव है, कॉर्पोरेट के जो नतीजे आ रहे हैं वो भी बाय एंड लार्ज एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आ रहे हैं या एक्सपेक्टेशन से बेहतर आ रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग बीच बीच में आ रहा है और कंपनी स्पेसिफिक कोई नेगेटिव न्यूज है तो वहां पे बिकवाली आ रही है, जैसे इंडसइंड बैंक में आज, पर अदरवाइज मार्केट में नीचे के स्तर पे खरीदारी, जबरदस्त खरीदारी आ रही है और जैसे कि आज रिकवरी देखा है, हम लोगों को लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा, मार्केट कंटिन्यूअसली इंच अप करेगा। बाकी कॉर्पोरेट नतीजों पे ध्यान रहेगा मार्केट का और मैक्रो डेवलपमेंट्स बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पे भी ध्यान रहेगा। बिल्कुल, तो बाजार में आने वाले दिनों में भी रिकवरी के संकेत जिसका जिक्र किया सुदीप सर ने। अब आने वाले कुछ नतीजों पर कर लेते हैं चर्चा। M&M के नतीजे कैसे रह सकते हैं, अनुमान क्या कह रहा है, कुशल हमारे साथ है, कुशल बताएं M&M के नतीजों से क्या अनुमान जताया जा रहा है?
तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स जो हैं यहाँ पर लार्जली म्यूटेड से नेगेटिव साइड पर स्लाइटली हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो कंपनी की मार्जिन्स पर बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। जिस तरह से कच्चे माल की जो कीमतें हैं वहाँ पर जो हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन आता हुआ नज़र आया है, उसका क्लियर कट इम्पैक्ट आपको इस तिमाही के नतीजों में आता हुआ नज़र आएगा। सबसे पहले आय की बात करिए, करीबन 6% बढ़कर 12,210 करोड़ की आय कंपनी घोषित कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है करीब 3% बढ़ती हुई नजर आई है, जिससे कहीं ना कहीं SUVs और पिकअप्स में जिस तरह का फायदा होता हुआ दिखा है वो क्लियरली कंपनी की आय में रिफ्लेक्ट हो सकती है। पर नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से और जिस तरह से कच्चे माल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उस वजह से कंपनी का जो एबिटा है वो करीब 25% गिरकर लगभग 1500 करोड़ पर रह सकता है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स पर बड़ा कट एक्सपेक्टेड है, 17.5% जो है पिछले साल थी ये नंबर, अब मार्जिन्स जो है ऑलमोस्ट 12.5-12.5% पर हम अनुमान करके चल रहे हैं। नतीजा क्या होगा, कंपनी का जो एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा है वहाँ पर भी लगभग 13-13.5% की कट के साथ 1,117 करोड़ की जो मुनाफा है वो कंपनी दर्ज करती हुई नज़र आ सकती है। पर मोर इम्पॉर्टेंटली इस तिमाही के नतीजों में जो आपको ध्यान में रखना है वो है मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के प्लान, और साथ साथ जो सेमीकंडक्टर का इश्यू अभी बना हुआ है वो कब तक रिजॉल्व होता है, इस पर हमारी नज़र जो है बनी रहेगी। सुदीप सर, M&M में नतीजों से पहले कोई स्ट्रैटेजी रखने की आप सलाह देंगे? देखिए, ट्रैक्टर्स के नंबर और क्योंकि मॉनसून का सीजन था और जो मॉनसून थोड़ा पैची था, इसलिए ट्रैक्टर्स के नंबर दबाव पे रहेंगे। और ये साफ पहले भी जो नंबर्स के अनाउंसमेंट्स मंथ ऑन मंथ आता है उससे ये साफ है। तो ओवरऑल SUV के नंबर्स अच्छे आएंगे क्योंकि SUV में जो नए मॉडल्स लॉन्च किया है वहां पे ट्रैक्शन है। पर ओवरऑल हम लोगों को लग रहा है कि इस बार थोड़ा दबाव रहेगा Q2 में, और रिजल्ट के बाद थोड़ा बहुत गिरावट आ सकता है। पर अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है तो M&M में जब दबाव आएगा मार्केट रिजल्ट के बाद अगर थोड़ा नीचे आए तो वहां पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी आएगी, ये लगता है हम लोगों को। तो 1000 रुपये अगर टारगेट हम लोगों का एक साल का है तो उस हिसाब से आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। जी, M&M की बात हुई, आने वाले नतीजों में BHEL के नतीजे भी आने वाले हैं। वरुण से समझते हैं। वरुण, BHEL के नतीजों से क्या अनुमान है? देखिए, लगातार 7वीं तिमाही है जब BHEL जो है वो घाटा पेश करने वाली है। अगर आप बॉटम लाइन पे देखेंगे तो करीब 99 करोड़ के आसपास का घाटा कंपनी करने वाली है। एबिटा फ्रंट पे करीब 6 करोड़ के आसपास के घाटे का अनुमान हम लगा के चल रहे हैं। हालांकि साल दर साल अगर आप देखेंगे तो घाटा जो है वो कम होगा, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने करीब 550 करोड़ के आसपास का घाटा किया था। वहाँ से कम होके अब घाटा जो है वो केवल 99 करोड़ के आसपास रह जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों है ये भी समझना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो एग्जीक्यूशन है उसमें साल दर साल सुधार हुआ है, तो उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट कंपनी को होगा। जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो सुधरेगा, उसके चलते भी थोड़ा फायदा कंपनी को होगा। इसके लिए एबिटा फ्रंट पे आप देखेंगे तो घाटा कम होने वाला है, लेकिन जो कच्चे माल के लागत में बढ़ोतरी हुई है उसका इम्पैक्ट BHEL पे होगा, और इसके लिए जो घाटा है फिर से एक बार कंपनी करने वाली है। इसके लिए ऑपरेशन परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा वीक रहने वाला है। जो नए ऑर्डर्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, इस बार करीब करीब 10,000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर जो है कंपनी को मिले। जाहिर सी बात है, जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन से ऑर्डर मिला था उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा, और इसके लिए जो कुल ऑर्डर बुक है वो करीब 1,07,000 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी के चलते कंपनी की जो कुल आय है उसमें 42% के आसपास का उछाल होगा, करीब 5,250 करोड़ के आसपास ही आ सकती है। यानी कि कंपनी के रेवेन्यूज अच्छे रहेंगे लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो फिर से एक बार वीक रहने वाला है, और लगातार ये 7वीं तिमाही है जब BHEL घाटा पेश कर सकता है। सुदीप सर, BHEL पर आपकी क्या राय होगी? जी, ये काउंटर से हम हमेशा दूर रहते हैं क्योंकि बहुत सारे इसके खास रीजंस हैं। एक तो जैसे अभी आपके सहयोगी ने जिक्र किया, कंटिन्यूअसली नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहा है। दूसरी बात है, यहाँ पे इनका जो सेगमेंट है बॉयलर, इसका मुख्य सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत है। बाहर के जो बड़े बड़े कंपनीज है, पर्टिकुलरली चाइनीज कंपनीज का कंपटीशन बहुत है, तो इनका एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल बिजनेस में पकड़ बिल्कुल नहीं है। डोमेस्टिक बिजनेस में जो ऑर्डर्स मिलते हैं वहां पे क्योंकि इकोनॉमी में दबाव था तो पेमेंट रियलाइजेशन में बहुत टाइम लगता है, और इंप्लीमेंटेशन में भी बहुत सारी दिक्कतें थी। तो अभी तो हम निवेशक को इस काउंटर से दूर रहने की सलाह देंगे। रिजल्ट के बाद प्राइस अगर गिरे तो भी अगर टेम्पटेशन
मतलब टेम्पटेशन में आके काउंटर में खरीदारी मत कीजिए, यही हमारी सलाह होगी। बिल्कुल, आने वाले नतीजों पर चर्चा हुई। अब एक स्टॉक का जिक्र जरूर करेंगे जिसमें आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, और वो रहा बैंकिंग सेक्टर से इंडसइंड बैंक। 10% की गिरावट के साथ आज रहा ये दिन भर निफ्टी का टॉप लूजर, वजह समझते हैं देवांशी से, बताइए। जी बिल्कुल, आप देखिए इंडसइंड बैंक में आज 10.5% तक की बड़ी गिरावट देखने मिली थी। दरअसल आप देखिए वीकेंड के दरमियान जो विसल ब्लोअर का मामला सामने आता हुआ दिखा, इसी के चलते ये बड़ी गिरावट आज देखने मिली है। क्या था ये पूरा मामला? तो विसल ब्लोअर का दो बड़े आरोप लगाए हैं इंडसइंड बैंक पर। उनका कहना है कि जो बैंक है उन्होंने 84,000 को बिना किसी सहमति के लोन डिस्बर्स किए हैं, और जो दूसरा आरोप था वो ये भी है कि इसमें से जो 84,000 क्लाइंट्स को उन्होंने डिस्बर्स किए हैं उसमें से कई क्लाइंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने जो मौजूदा लोन्स हैं वो नहीं चुका पा रहे थे और उनको भी फ्रेश डिसबर्समेंट्स किए हैं, और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंटर था। जो वीकेंड था उसमें कॉन कॉल भी होता हुआ दिखा था, लेकिन मैनेजमेंट ने ये सारे आरोपों का खंडन कर दिया था। उनका कहना है कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ से ये लोन्स दिए गए थे और मई महीने में एक तकनीकी दिक्कत होती हुई दिखी थी जिसके चलते 84,000 कस्टमर्स को ये लोन्स डिसबर्स करने में आए थे, लेकिन अगले दो ही दिन में ये टेक्निकल को ठीक कर दिया गया था। फिलहाल बैंक की तरफ से केवल 26,000 एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जिनको उन्होंने ये डिसबर्समेंट्स दिए हुए हैं। 34 करोड़ का जो टोटल अमाउंट है वो फिलहाल पेंडिंग है, या आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो बहुत ही छोटा है, केवल 34 करोड़ का। साथ ही सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को ध्यान में रखते हुए ये लोन्स पर कामकाज किया जा रहा है, जो प्रोविजनिंग है वो भी की जा रही है, अगर ज़रूरत पड़ी तो और प्रोविजनिंग भी करती हुई दिखेगी बैंक। ये मैनेजमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आते हुए दिख रहे हैं, और सबसे अहम क्लैरिफिकेशन ये भी था कि एक इंडिपेंडेंट रिव्यू भी शुरू कर दिया है कि इसमें क्या दिक्कतें आती हुई दिखी हैं, लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल ग्लिच के कारण ये जो लोन्स हैं वो डिस्पर्स किए गए थे, ये मैनेजमेंट का कहना था। और इसी के चलते आप देखिए जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े से ख़राब होते हुए दिखे थे। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस हैं उन्होंने अपने जो टारगेट्स हैं या फिर जो रेटिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। जो बड़े ब्रोकिंग हाउसेज जैसे कि CLSA है, मॉर्गन स्टैनली है, JP मॉर्गन है, उन्होंने अपनी रेटिंग को भी बरकरार रखा है, और जो टारगेट्स हैं वो 1400 से लेकर 1500 तक के जो टारगेट्स उन्होंने दिए हैं उनको भी मेंटेन किया है। लेकिन क्योंकि विसल ब्लोअर का जो मामला है वो सामने आता हुआ दिखा और मैनेजमेंट ने इस बात का खंडन किया था, समय पर नहीं बताया था, इसी के चलते इस स्टॉक में आज 10.5% तक की बड़ी गिरावट देखने मिली थी। शुक्रिया देवांशी, इंडसइंड बैंक पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। आइए बढ़ते हैं आगे, और बहुत समय के बाद कोरोना काल के बाद मल्टीप्लेक्स गुलजार हुए और रिलीज होने वाली फिल्मों में रही सूर्यवंशी, जिसको काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला। कैसा रहा है सूर्यवंशी का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर, और आने वाले समय में मल्टीप्लेक्स कंपनियों का सफर कैसा रह सकता है, समझते हमारे से होगी कुशल से, बताइए कुशल। जी, तो मल्टीप्लेक्स शेयरों में आज शानदार तेजी हमें देखने को मिली, और इसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो था सूर्यवंशी की रिलीज। इनफैक्ट फ्राइडे को ये मूवी रिलीज हुई थी और दो दिनों में यानी कि फ्राइडे और सैटरडे मिलाकर हाफ सेंचुरी लगा ली है इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने। 50 करोड़ से ज़्यादा के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है यहाँ पर होते हुए नजर आए हैं, और एनालिस्ट का मानना है कि संडे का आंकड़ा भी मिलाएंगे तो कुल मिलाकर करीब 75 से 80 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कंपनी करती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मूवी है, इसमें मिशन मंगल के बाद अक्षय कुमार की ये दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली मूवी बन गई है। तो यहां पर काफी अच्छी ओपनिंग जो है आपको सूर्यवंशी के लिए मिलती हुई नजर आई, और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो भारत पे लगभग 3500 स्क्रीन पर ये लॉन्च हुई थी, और साथ ही ओवरसीज का बात करें तो लगभग 1200 स्क्रीन पर यहां पर ये मूवी लॉन्च होती हुई दिखी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कई सेट ऑफ मूवीज जो है इस नवंबर ही आने वाली है, जिसमें 19 नवंबर को बंटी और बबली 2, सत्यमेव जयते 25 नवंबर और अंतिम मूवी जो है 26 नवंबर को रिलीज होती हुई नजर आएगी। तो एक लंबी लिस्ट है आगे आने वाले समय में मूवीज के रिलीज होने की, और अगर आप देखें तो देश भर में जिस तरह से मल्टीप्लेक्स के स्क्रीन का विभाजन है उसमें साउथ और साथ ही वेस्ट इंडिया को अगर आप मिलाएंगे तो PVR और आईनॉक्स दोनों की ही लगभग 60% से ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस इन दो ही रीजन में है,
तो डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह की अनलॉकिंग होती हुई दिखी है, कोविड केसेज जैसे जैसे कम हुए हैं, उससे क्लियर कट इंडिकेशन आ रहे हैं कि जो पेंट अप डिमांड है, लोगों की जो नीड है मल्टीप्लेक्सेस वगैरह में जाकर मूवीज देखने की एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, डेफिनेटली जो है काफ़ी एक्शन में और काफ़ी रिकवरी में आती हुई नज़र आ रही है। और इसी वजह से जितने भी मल्टीप्लेक्स शेयर हैं वो लगातार फोकस में बने हुए हैं। आइए अब जानते हैं कल के बाजार पर स्ट्रेटजी। अनिल जी बता रहे हैं कल के बाजार के लिए अहम संकेत क्या होंगे। यहां तक कल के बाजारों का सवाल है, ग्लोबल संकेत तो भारतीय बाजारों के लिए अच्छे और मजबूत आते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार अमेरिकी बाजार हाइज पर हाइज बना रहे हैं और साथ ही वहां के जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर हैं वहां पर तो गजब की तेजी का माहौल है। कल के लिए जो सपोर्ट है 17,925 निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और बैंक निफ्टी पर 39,100 के आसपास रहेगा मजबूत सपोर्ट। ऊपरी स्तरों पर एक बार 18,100 को पार करने के बाद बैंक निफ्टी 18,250 तक जाने की कोशिश कर सकता है और बैंक निफ्टी 39,850 से 40,050 तक की यात्रा ऊपर की तरफ कर सकता है। कल नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन होगा, दिग्गजों के लिए भी और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए भी, तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर रहेगा। तो एक और एक्शन पैक और कल उम्मीद करें ग्लोबल मार्केट्स ने हल्का भी साथ दिया तो मजबूती भरा ट्रेडिंग सेशन आपको निफ्टी पर भी देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी भी रिकवरी दिखाने की कोशिश कल कर सकता है। तो कल के बाजार पर जानी स्ट्रेटजी, आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। किरण जाधव .com के सीईओ आशीष केलकर से करते हैं बात। आशीष जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कल कहां रखे ऑप्शन स्ट्रेटजी? वेरी गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं चार्ट के ऊपर और मैंने रियलिटी से स्टॉक चुना है और वो स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज का 2400 का कॉल ऑप्शन जो इन द मनी, उसका क्लोज करीबन 2450 के आसपास है, लेकिन मैं इन द मनी कॉल ऑप्शन 2400 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दे रहा हूँ जो कि करीबन 131-132 के आसपास क्लोज हुआ है। इसी लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 118 रुपए का। मेरा जो पहला लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 152 का। मेरा दूसरा लक्ष्य रहेगा 160 का। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का 2400 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह है। कन्विक्शन वाला कॉल है, इसे मैंने एक ही स्टॉक चुना है जी। बहुत शुक्रिया आपका करेंगे आशीष जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी बताने के लिए। और सुदीप सर आपके पास आएंगे और जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तौर पर कौन सा स्टॉक आप बता रहे हैं। आप दो स्टॉक का मैं जिक्र करूंगा। पहला स्टॉक है रेडिको खैतान, अपने क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है और इनका परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश, जहां पे एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है और यहां पे अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपेंशन, अपॉर्चुनिटी ऑफ इंक्रीजिंग बिजनेस वॉल्यूम सिग्निफिकेंट है और उसका फायदा उठा रहे हैं। इनके एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं। पिछले क्वार्टर में जो नतीजे आए हैं वहां पे मार्जिन पे दबाव था कॉस्ट एस्केलेशन के लिए, पर आने वाले दिनों में लगता है कि मार्जिन प्रोफाइल भी इंप्रूव होगा और प्रोडक्ट मिक्स भी इंप्रूव हो रहा है। इसके चलते मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट का शेयर बढ़ रहा है। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि मार्केट का जो स्थिति है इसके हिसाब से रेडिको खैतान का एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन सिग्निफिकेंट होगा। डेट रिडक्शन हो रहा है कंपनी का और अगर पीयर कंपैरिजन करें तो अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। 1200 रुपए का टारगेट 6-9 महीने के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है एक बहुत ही अच्छा सेक्टर, जिस सेक्टर पे हम लोगों का बहुत भरोसा है आज के दिन में, वो है सीमेंट सेक्टर। जैसे हम जानते हैं बहुत अच्छा टेलविंड है इस सेक्टर के पीछे। सरकार की तरफ से पब्लिक स्पेंडिंग जो होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है और हाउसिंग फॉर ऑल जो मोदी जी का जो स्कीम है उसके चलते भी सीमेंट का डिमांड बहुत अच्छा तगड़ा रहेगा। ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि मॉनसून और लो डिमांड के बावजूद Q2 में भी प्राइस हाइक पॉसिबल हुआ और वो प्राइस हाइक डिमांड का रेजिलियंस क्लियरली पॉइंट आउट करता है। जो इनका जो उदयपुर में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो एक्सपेंशन अगले फाइनेंशियल तक कंप्लीट हो जाएगा और ये इसका वॉल्यूम और मार्जिन प्रोफाइल इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। बैलेंस शीट इंप्रूव हो रहा है, डेट रिडक्शन हो रहा है और पीयर कंपैरिजन में यहाँ पे भी हम लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा है। 800 रुपए का टारगेट 6-9 महीने के लिए रख के यहाँ पे भी हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।
बिल्कुल, तो रेडिको खेतान और दूसरा स्टॉक जेके लक्ष्मी सीमेंट में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय की। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।